प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको लाहौर षड्यंत्र केस के दोषियों को भगत सिंह जी का पैगाम क्या था उसके बारे में बताएंगे। जेल में भगत सिंह की कोठरी लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार क्रांतिकारियों के ठीक बगल में थी। उन्होंने भगत से इस विषय पर राय मांगी, क्या हमारा जिंदा रहने की ख्वाहिश रखना पाप है? इस प्रश्न का उत्तर जो भगत ने दिया, वह इतिहास अपने पन्नों पर अंकित कर गर्व महसूस करता है। साथियों, जिंदा रहने की इच्छा स्वाभाविक है, वह मुझ में भी है। मैं उसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, पर मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर ना रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के त्याग और आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा जो कि मैं जीवित रहकर भी नहीं उठ पाऊंगा। दूसरी ओर, मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपनी संतान को भगत सिंह सा बनता देखना चाहेंगी। इससे देश की आज़ादी के लिए स्वयं को कुर्बान करने वालों की इतनी कतारें लग जाएंगी कि आज़ादी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तब समस्त शैतानी शक्तियां धूल चाटती नजर आएंगी। हाँ, एक बात आज भी मेरे जहन को कचोटती है। देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की ख्वाहिशें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां प्रतिशत भी मैं अभी कर नहीं सका हूँ। अगर मैं जीऊँगा तो शायद मुझे उन्हें पूरा करने का एक अवसर मिल जाए। अगर मेरे मन में कभी न मरने का ख्याल आता है तो केवल इसी कारण। आजकल मुझे स्वयं पर मान है और मैं अपनी अंतिम परीक्षा का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कामना करता हूँ कि वह दिन जल्दी आए। आपका साथी भगत सिंह। साथियों, ये था शहीद आजम भगत सिंह जी का संदेश। हमें सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।